आदिदेव का बर्थडे आने वाला है, तो इसके लिए मैंने की है बहुत सारी शॉपिंग। यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने सारा घी का दिया जला दिया, और कहते हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है मेरे घर में आज ही दीपावली, कितना अच्छा लग रहा है। और ये घी का दिया तो यहाँ पे मैंने जला दिया है कैंडल स्टैंड, और ये देखे ना बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम लोग आ गए घर, और अब घर में कुछ कुछ काम करेंगे, कुछ कुछ चीजें दीपावली को लेकर के हमने लेकर आई है, ये कैंडल और ये घी वाला दिया, और दिखाती हूँ, और ये वाला कैंडल है, कैंडल ही है इस टाइप का। अभी सबका यूज करके दिखाऊंगी, बहुत सारी शॉपिंग भी की हमने दीपावली को लेकर के, क्योंकि अभी चल रहा है ना सेल, सेल में बहुत कम दामों में मिल रहा है, बाद में क्या होगा सब दाम बढ़ जाएगा, साल का सबसे बड़ा सेल चल रहा है, बहुत डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमने ले लिया पहले ही, बाकी आप लोगों को भी अभी दिखाएंगे। A few moments later. पतिदेव का बर्थडे आने वाला है, तो इसके लिए मैंने की है बहुत सारी शॉपिंग, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, अगर क्रियान जो है ना एक 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 करके आप लोगों को दिखाएगा, आओ क्रियान दिखाओगे, तो सबसे पहले इनमें से क्या दिखाऊंगा आपको, हाँ सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको छोटा सा चीज, ये लेकिन छोटा सा चीज है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये देखिए ये मैंने मंगवाया हुआ है, दो क्यूट सा दिया इतने कम दाम में मिला, और ये पीतल का दिया, तुम ही बोल लो मैं क्या बोलूंगी, नो। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा है, मुझे इस टाइप का चाहिए था, तो ये मुझे मिला है, ये देखिए बहुत सुंदर है, इसको यूज करके मैं दिखाऊंगी अभी आप लोगों को, और इसके बाद जो दिखाने वाला है ना वो क्रियांश दिखाने वाला है, क्रियांश ने मंगवाया हुआ है एलईडी कैंडल जो कि बहुत ही सुंदर है, दिखाओ, तो ये देख सकते हैं थ्री का सेट है इसमें, और ये जलता है बहुत अच्छी तरीके से, ये यहाँ पे आपको स्विच मिलेगा, उसको आप ऐसे जला लो, ये लो, और दूसरा ये है, और दिखाऊं तीसरा, ये है, तो ये मैंने लिया एलईडी कैंडल जो कि बहुत ही अच्छा है, आपको होम डेकोर के लिए दीपावली में बहुत अच्छा काम आएगा, बहुत अच्छा यूज है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग भी ले लेना, बहुत ही कम दाम में मुझे मिला है, क्या चाहिए, ये सोच रहा है जल जाएगा, नहीं बेटा नहीं जलेगा, और अगर आपके घर में नटखट बच्चे हैं उसके लिए तो बेस्ट है, इसको मैं बंद करके रख देती हूँ, फिर और भी करूँ, बहुत मतलब मुझे जो चाहिए था ना मैंने ले लिया, क्योंकि अभी कम दाम में मिल रहा है, बाद में ये सब चीजें ना कॉस्टली हो जाएगी, तो मैंने ले लिया, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ ताकि जिनको भी चाहिए होगा वो भी ले लेंगे, और इसके बाद एक और चीज मैंने मंगाया है दिया जो कि बहुत सुंदर है, ये देखिए ये दिया है जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत काम की चीज है, और इसमें आप जो है यहाँ पे कैंडल डाल करके जला सकते हैं, मैंने कैंडल भी ले लिया है, इसमें से कोई भी एक कैंडल यहाँ पे डाल करके आप जला सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, मैं जला के अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी ऐसे दिखा दे रही हूँ, मैं जला के भी यूज करके भी सब कुछ आपको दिखाऊंगी, और इसके बाद मैंने ये देखो इसको भी जलाने आ गए, ये बहुत नटखट गोपाल है मेरा, ये डर भी रहा है कहीं जल ना जाए, जला करके भाग रहा है, ये देखो लो जला लो इसको, एक बार में ना ये समझ जाता है कहां से क्या करना है मुझे, क्या जला ये दो लो जला के खेलो तो खेलो, और इसके बाद जो मैंने चीजें मंगाई है ना वो बहुत ही अच्छा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये मैंने मंगाया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं चम्मच स्टैंड, इसमें चम्मच के साथ साथ आपको स्टैंड भी मिल जाएगा, और बहुत ही कम दाम में, अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि बहुत महंगा महंगा चीज लिए, नहीं मैंने खोज उज के मैंने बहुत कम दाम में ये सब चीज 300 कुछ का मिला है, इसमें चम्मच भी बहुत अच्छा है, चम्मच भी अच्छे क्वालिटी का मिला है, इसमें फोर्क मिल जाएगा, छोटा चम्मच बड़ा चम्मच सब चीजें मिल जाएगी, आप देखिए पूरा, और इसको अच्छे से ऐसे आप घुमा भी सकते हैं, ये देखो डाइनिंग टेबल पे रखने पे ना बहुत अच्छा होता है, और हमारे घर में क्या होता है जैसे ही कोई गेस्ट आते हैं ना चम्मच ही तो पड़ जाता है, तो उसके लिए बेस्ट है, आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां से आप सारे प्रोडक्ट का मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से ले लीजिएगा आप लोग, ये ना जो चीज देख रहा है खुश हो रहा है, बस मम्मा आप ही के लिए लेके आई है सारा चीज, हाँ बेटा यहाँ रख रही हूँ, लो खेलो खेलो इधर आके खेलो,
वो नहीं बेटा, वो नहीं, ये टूट जाएगा, ये नहीं कर लेते, टूट जाएगा बेटा ये। हाँ बेटा, हाँ वो ले लीजिए आप, वो खेलिए उससे, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद जो मैं दिखाने वाली हूँ ना, ये देखिए, घर को डेकोरेट करने के लिए मैंने मंगाया हुआ है ये। और इसमें हम पानी डाल देंगे, फूल डाल देंगे, यहाँ कैंडल डाल देंगे, बहुत सुंदर लगेगा, है ना। और इसके बाद ही मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कुछ जो है ना, ये देख सकते हैं आप, ये घी का दिया का बाती है, जो एकदम गाय के घी में बाती बना हुआ है। हम लोग होता ना मंदिर जाते हैं, और क्या होता था हमारे साथ, स्पेशली गाड़ी से जाते थे और घी या फिर तेल जो रहता था दिया का, वो गिर जाता था। इस वजह से मैंने ये घी का बाती मंगवा लिया, जो कि आराम से जला सकते हैं, ना गिरेगा ना कुछ, उस चीज का झंझट खत्म। तो ये मैंने दुर्गा पूजा के लिए मंगवाया हुआ है। बाकी इसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, इसके बाद मैंने मंगाया है यहाँ पे कैंडल। इसमें आप जो है ये लकड़ी का बना हुआ है, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एकदम चिड़िया बनी हुई है। इसके अंदर भी आप कैंडल जला करके ऐसे ढक करके रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये भी चिड़िया बना हुआ है, यहाँ कितना सुंदर लग रहा है। अभी जला करके हम आप लोग को दिखाएंगे। और बाकी इनमें से कुछ भी चाहिए होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप लोग परचेस कर लीजिएगा। और बहुत कम दाम में मिला है अभी, क्योंकि बहुत अच्छा सेल चल रहा है। यही सब चीजें मैं बाद में लेती ना तो बहुत कॉस्टली पड़ता, अगर मार्केट से लेती तो और भी ज्यादा कॉस्टली पड़ता। और इसके बाद हाँ, इसके बाद भी मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने मंगाया हुआ है, इसमें आप दिया जला सकते हैं, यहाँ पे कैंडल जला सकते हैं, यहाँ पे पानी में रख करके फूल डाल सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। ये एक के साथ एक फ्री मिला था मुझे, तो सुंदर लग रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा कुछ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भर भर के सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर के ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं ले करके आई हूँ कमल का फूल, और इसमें मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैं यूज करने वाली। मैंने सोचा पहले ही एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। इसमें डाल दूंगी कमल का फूल, इसका थोड़ा सा और ये तोड़ना पड़ेगा तब सुंदर लगेगा। हाँ, इसमें ये गुलाब का कमल का फूल डाल दिया है, बाकी और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और दिखाती हूँ, इसमें थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी भी लेके आए हैं। तो ये वाला कैंडल हम लोग ले लेते हैं और कैंडल को डालते हैं इसमें। ये कैंडल हमने डाल दिया यहाँ, और इसको जलाऊंगी ना तब देखना आप लोग कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने कैंडल जला दिया, और कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। बहुत सुंदर लग रहा है, रखूंगी जहाँ पे हमको करना है तो और भी अच्छा लगेगा। इसके बाद अब ये दो जलाने वाले हैं। इसका जो मैंने यहाँ पे कैंडल था ना, वो बुझा करके रख दिया, क्योंकि क्रियांश बार बार आता है। तो इसको मैंने इसमें एक में डालने वाले हैं व्हाइट पिंक वाला, और एक में डालेंगे रेड वाला, देखिए बहुत सुंदर लगेगा। मुझे ना ये सब करने में बहुत मजा आता है, तो मैं सोची आज कर लेती हूँ। मार्केट गई हूँ तो फूल ले आती हूँ, बना के आप लोगों को भी दिखाऊंगी। बहुत लोगों को हेल्प भी होगा इनसे, और मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी हसबैंड का बर्थडे भी आने वाला है, तो उस दिन भी मैं कुछ चीज़ें उस दिन भी जलाऊंगी, अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ सरप्राइज है फिलहाल। बाकी और मैं अब इसका भी यूज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। नो बेटा, इसका मुझे खासियत ये लगा कि छोटे बच्चे भी इसके साथ खेल सकते हैं, नहीं तो कैंडल से इतना डर लगता था। और ये देखिए कितना अच्छे की यूज की चीज है, आराम से इसको ऐसे रख दो आप और जला लो। तो यहाँ पे हमने ले लिया है घी का दिया, और ये बाकी इतना अच्छा डेकोरेशन हमने रख दिया है। बाकी अभी मैं यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगी। क्या बेटा, क्रियांस इतना परेशान करता है, लो छोड़ लो। और इसको अब जलाते हैं। बोलिए। तो यहाँ पे हमने सारा घी का दिया जला दिया,
और कहते हैं दीपावली में घी का दिया ही चलाना चाहिए, तो हमने उसके लिए भी मंगा लिया, जुगाड़ कर दिया है। बाकी अब इसके ऊपर भी कैंडल रखा जाएगा, तो रिंग वाला कैंडल रखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा मुझे लग रहा है। रिंग वाला रख देती हूँ। ये देखो, ये कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है ना। क्रियांश कैसा लग रहा है? ये देखो, ये ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ करके जलाया हुआ है, कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, लग रहा है मेरे घर में आज ही दीपावली है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये घी का दिया जो है ना, ये तो और भी अच्छा लग रहा है। और भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसको मैं जला करके आप लोगों को दिखाती हूँ। 12 seconds later। और इसके बाद ये कमल फूल वाला जो है कैंडल, इसमें रख के इसको भी जलाना है, तो मैं इसमें भी ये कैंडल रख देती हूँ और इसको भी जला के दिखाती हूँ आप लोगों को। क्रियांश इतना खुश है ना कि आज मेरे घर में बहुत बहुत सामान आया हुआ है। ये कैंडल डाल दिया मैंने, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये दिया भी जला दिया और एकदम दिया जैसा लग रहा है, लेकिन ये दिया नहीं है, इसमें कैंडल जला करके आप ऐसे करके रख सकते हैं। और ये शीशे का है, जो कि शीशा भी बहुत अच्छे क्वालिटी का दिया है, क्योंकि क्रियांश एक दो बार इसको पकड़ के खेला भी है, यहाँ पे गिराया, नीचे फर्श पे नहीं गिराया, नहीं तो टूट जाता। तो यहाँ पे मैं और एक कैंडल स्टैंड जलाने वाली हूँ, जो कि बहुत सुंदर है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अभी लाइट ऑफ करके दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। अभी मेरे घर में तो बहुत लाइट जलाऊ। तो यहाँ पे मैंने जला दिया है कैंडल स्टैंड, और ये देखिए ना बहुत सुंदर लग रहा है। कैंडल स्टैंड कहते हैं कैंडल इसमें रख के, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हटा भी सकते हैं। और ये चिड़िया जो है ना, वो तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगा ना, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सारे चीजों का, वहां से आप लोग ले लेना। यही वाला दिया मैंने लिया और आज जला भी लिया लड्डू गोपाल के सामने। बहुत ही सुंदर है और डिजाइन भी काफी अच्छा, थोड़ा भारी भी है, भी है पीतल में, बहुत सुंदर है। एक तो जला लिया, एक रखी हुई है, दीपावली में जलाऊंगी।